दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजी फिल्मी नज़ारा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दिशा पठानी के आने वाले न्यू लेटेस्ट फोटोशूट के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बॉलीवुड की स्टार दिशा पठानी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो शेयर कर इंटरनेट का पारा बढ़ाती रहती है। हाल ही में दिशा ने एक बार फिर से अपनी बोल्ड तस्वीरों से फैंस के दिलों की धड़कनें तेज कर दिए। दरअसल दिशा पठानी ने शीशों के सामने खुद को निहारते हुए एक ग्लैमरस तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके बाद उनका यह फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनकी ये तस्वीर को देखकर मदहोश हो गए हैं। दरअसल बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं में से एक दिशा पठानी का बिकनी लुक हमेशा से सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोरता रहता है। उनके हर लुक्स उनके बोल्ड फोटोशूट पर कई लोग फिदा हो जाते हैं। तो वहीं हाल ही में दिशा पठानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। बता दें, इन दो तस्वीरों में दिशा पठानी बिकनी पहनी हुई नज़र आ रही है। उन्होंने बीच पर मिरर के सामने अपने परफेक्ट फिगर को प्लांट किया है। इन फोटो में वह हद से ज़्यादा ग्लैमरस लग रही है। दिशा की इन तस्वीरों के उनके फैंस जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ मज़ेदार कमेंट भी कर रहे हैं। इसके साथ ही दिशा की इन फोटोज़ को 9 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। फैंस ने कमेंट सेक्शन पर फायर इमोजी की लाइन लगा दी है। हर किसी को उनका ये बोल्ड अंदाज काफ़ी पसंद आ रहा है। वहीं फैंस अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी बीच कोई उन्हें अति सुंदर भी कह रहा है तो उनकी लुक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, गर्मी बढ़ने वाली है। बता दें कि इन दिनों दिशा पठानी अपनी नई फिल्म 1 बिलियन रिटर्न्स को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। इस फिल्म में वो अर्जुन कपूर, जानम ब्राहिम के साथ नज़र आने वाली है। इसके अलावा दिशा के पास योद्धा भी है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नज़र आएंगी। ये दोनों फिल्मों इस साल यानी 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।